नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल स्टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि सीटेट के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं भरा है तो आप जल्दी भर लीजिए। दोस्तों, अब जिन्होंने भी अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दिए या जो भी भरने जा रहे हैं, उनके मन में ये सवाल उठता है कि आखिर सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो की कैसी जाए। हम अलग अलग वीडियो सर्च करते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हैं कई, तो वो बताते हैं कि ये बुक आपके लिए सही है, ये बुक आपके लिए सही है। मैं गलत किसी को भी नहीं कह रहा हूँ कि सब बुक्स कोई भी प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि आप जिस मर्जी बुक से पढ़िए, कोई भी आप बुक से पढ़िए, लेकिन आप कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है ये मैं आपको बस एक टिप दूंगा। बुक आपकी, लेकिन तरीका थोड़ा सा आप मेरा अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको अपने सिलेबस की पूरी जानकारी है। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो मैंने सिलेबस के ऊपर भी वीडियो डाली कि क्या क्या आपके पेपर में आता है, तो वो भी आप मेरी जानकारी देख सकते हैं मेरे चैनल पे वीडियो देख के। अब बात आती है अगर इसके प्रिपरेशन की कि आखिर प्रिपरेशन की कैसे जाए। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि जो इसमें CDP आती है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ऊपर जो आपके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बालक अभिवृद्धि विकास और जो आपके शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन है, पहले तो दोस्तों मुझे आप ये बताइए कि आप जो प्रिपरेशन की जो सोच रहे हैं कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, आप मुझे एक चीज का बस जवाब दीजिए। आप चाहे कमेंट करके भी जवाब दीजिएगा, सिर्फ एक चीज का कि आप जितने भी फॉर्म भर रहे हैं, देखिए आप में से सबने कोई ना कोई जो टीचिंग का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो तो जरूर किया होगा अगर आप CTET भर रहे हैं, और कितने जो BEd वाले होंगे उन्होंने भी 3 महीने का या फिर जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका होता है वो उन्होंने जरूर किया होगा। अब देखिए, बालक विकास या फिर इसमें से जो आपके शिक्षा शास्त्र रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअली आते कैसे हैं, जैसे कि बालक से संबंधित कि भाई शिक्षा शास्त्र में मतलब अधिगम कैसे किया जा सकता है, या सहस्त्रावस्था में जैसे कि प्राइमरी जो आपका पेपर 1 है उसमें 1 से लेकर 5 तक के बच्चों पे अध्ययन किया जाता है, या फिर जो पेपर 2 उसमें 6 से 8 तक के बच्चों पे अध्ययन किया जाता है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आप में से जितने भी जो भी ट्रेनिंग जिन्होंने की है, और बकायदा मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप में से कितने टीचर भी होंगे जो स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, नहीं तो अपने घर में ट्यूशन भी पढ़ा रहे होंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र के हों, चाहे आपके कोई भी हो, चाहे आपके बाल विकास के ऊपर हो, चाहे आपके अधिगम पे हो, चाहे आपके लर्निंग पे हो, थोड़ा बहुत तो तरीका आपको वैसे भी अनुभवों के द्वारा ही प्राप्त हो चुका होगा। भले आपने अभी टीचर आप चाहे कोचिंग दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, किसी स्कूल में टीचर हो या नहीं हो, नहीं तो आपने जब ट्रेनिंग की होगी चाहे BEd में चाहे किसी भी कोर्स में, तब आपको पता चल गया होगा कि भाई ट्रेनिंग में कि भाई कैसे मतलब एक एक्सपीरियंस के द्वारा कैसे इन बच्चों को हम अधिगम करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं। शिक्षा शास्त्र रिलेटेड क्वेश्चन में भी तो यही चीजें आती हैं। देखिए, आपने जब BEd किया होगा तो BEd करने पे आपका एक टॉपिक भी रहा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कि आपका बाल्यावस्था और विकास। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें जो चीजें आती है, अगर आप देखा जाएगा तो BEd से रिलेटेड ही पूरा आपका लगभग सिलेबस रहता है, या फिर आपने जो भी कोर्सेज किए एलिमेंट्री एजुकेशन के बेस पे किया उसमें भी कुछ कॉमन रहा होगा। तो अब बात आती है, आप ये कहोगे कि अब इसमें पढ़ना क्या है, एक्चुअली पढ़ना क्या है इसमें। देखिए दोस्तों, बुक के लिए अगर मैं कहूँ आपको, मेरी चीज सिर्फ आपको ये कहने की थी कि भाई जो आपका अनुभव है उसके द्वारा भी आप कुछ क्वेश्चन तो वहां पे वैसे भी सोल्व कर लेंगे, क्योंकि आप ये डिप्रेशन में कभी मत आइए कि हमें बुक का नहीं पता, हमारी तैयारी कैसे होगी, 2 से 3 महीने बाद जब भी पेपर होगा या 4 महीने बाद होगा हम पेपर कैसे देंगे। देखो, आप सिर्फ एक चीज रखो, अगर आप टीचर हैं, अगर कहीं पढ़ाते हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो आप अपने को वैसे भी नर्वस तो होने मत दीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो वैसे भी आपको है ही, तो कुछ क्वेश्चन तो आपके कॉमन सेंस से वैसे भी हो ही सकते हैं। दूसरी चीज, बुक्स की अगर बात करनी ही है कि भाई हमें बुक बता ही दो कि हमें कौन सी सही रहेगी, तो देखिए अगर बुक्स की बात की जाए तो अगर मैं खाली CDP की बात करूं, चाइल्ड डेवलपमेंट जो बालक का विकास और अभिवृद्धि वाली चीजें हैं, वो तो आप BEd की बुक्स में भी कई टॉपिक आपको मिल जाते हैं, कई उसमें सब्जेक्ट होते हैं, जैसे सहस्त्रावस्था से लेकर उनकी विकास की क्रियाएं कैसे चलती हैं, टीचिंग मेथड आते हैं BEd के सेमेस्टर में कि टीचिंग मेथड कौन से होते हैं जो आपके बालक केंद्रित भी होते हैं और आपके शिक्षक केंद्रित भी जो विद्या होती है, जैसे कि लेक्चर मेथड आपने पढ़ा होगा, डेमोंस्ट्रेशन मेथड आपने पढ़ा होगा, तो इन मेथड के बारे में ये सारी चीजें भी तो आपकी BEd की बुक में मिल जाती है। और बकायदा मैं इतनी भी चीजें कह रहा हूँ, जिस भी कॉलेज से आपने यूनिवर्सिटी से किया होगा वहां पे आपको लाइब्रेरी में जो किताबें मिली होंगी जो पुरानी वाली, उनमें थोड़ा सा जो कंटेंट होता है अगर देखा जाएगा तो अच्छा होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बुक ले रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत तो BEd की बुक से भी कर सकते हैं, जो पुरानी किताबें जिनमें कंटेंट अच्छा हो। मैं किसी भी
एक नाम लेके कोई भी प्रेफरेंस नहीं करूंगा, क्योंकि बुक सारी अच्छी है, बुक्स आप जिस मर्जी से पढ़िए, मेन चीज है आपकी सेल्फ स्टडी कितनी है और आपका बेसिक कितना क्लियर है। आप उन बुक से भी अगर ये चीजें अपना सिलेबस मैच करके थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही सही चीज है। जैसे कि मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ बीएड की, जो फर्स्ट सेमेस्टर में चलती थी, इसमें जैसे कि आपका ये वाला अगर आप देख सकते हो, बाल्यावस्था और विकास, आर लाल की ये बुक है, पतली सी है, ज्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन इससे भी आप देख सकते हैं। मैं ये प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, आपकी इच्छा है, आपकी जो मर्जी हो आप वो बुक खरीदिए, मैं खाली आपको एक दिखाने के बेस पे कर रहा हूँ कि मैं भी थोड़ी मुझे कोई जानकारी अच्छी होती तो मैं इससे ले लेता हूँ। नहीं तो अगर आपको मनोविज्ञान वाली चाहिए, एजुकेशन साइकोलॉजी पे, क्योंकि साइकोलॉजी के ही आपके मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो साइकोलॉजी पे ही आते हैं, तो वो भी आप बीएड की बुक से देख सकते हैं। जैसे कि एक पुरानी किताब है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ये प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ कि आप यही लीजिए या नहीं लीजिए, मैं सिर्फ ये चीज कह रहा हूँ कि ये बीएड वाली है ये बुक, जो भी मैं ये जैसे कि ये वाली शिक्षा मनोविज्ञान, ये बीएड वाली है बुक, इनमें भी आपको कई चीजें ऐसी मिल जाएंगी, जैसे मैं दिखा रहा हूँ इनमें भी आपको कई चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो मतलब डीपली आपको नॉलेज देंगी। डीपली की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, अब आप ये भी कह सकते हैं कि 2 से 3 महीने में डीपली कैसे होगी, क्यों नहीं हो सकती डीपली, आपने बीएड में 2 साल किए हैं या फिर आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहले भी किए हैं तो डीपली क्यों नहीं हो सकती। और आप अभी टीचर भी रहे होंगे, अभी कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, आप पढ़ाते होंगे नहीं तो कहीं पे ट्यूशन देते होंगे, तो डीपली क्यों नहीं हो सकती। डीपली की बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डीपली की बात अगर मैं नहीं करता हूँ आपसे तो उसमें आपका बेसिक क्लियर नहीं होता, यदि बेसिक क्लियर नहीं होता है तो आपका क्या होगा, बेसिक क्लियर नहीं तो आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस सेट करके या फिर लोगों की जो वीडियोस होती हैं उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कि कितने सही जा रहे कितने गलत जा रहे कमेंट में लिख के, उससे पेपर क्लियर नहीं होगा। मैं आपसे ये भी नहीं कहता हूं कि आप दिन में 10 घंटे पढ़े या 12 घंटे पढ़े, सिर्फ आप अगर 4 से 5 घंटे भी थोड़ा सा डीपली में जाते हैं, 4 से 5 घंटे डेली, लेकिन एक रूटीन में होना चाहिए कि आप डेली करें 4 से 5 घंटे, लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं कि आज तो 8 घंटे पढ़ दिया लेकिन अगले दिन कुछ नहीं पढ़ा, रूटीन से करें, सिलेबस वाइज करें, चाहे कहीं से भी उठाएं बुक, चाहे आप पुरानी किताब मनोविज्ञान की उठाएं, चाहे बीएड की उठाएं या एनीथिंग। अब दोस्तों बात आती है कि सामाजिक विज्ञान, जैसे कि पेपर 2 की बात करें तो सामाजिक विज्ञान या वगैरह या उसमें जो साइंस से रिलेटेड आता है या पेडागोजी आती है, साइकोलॉजी आती है, अब दोस्तों उसकी अगर बात की है सामाजिक विज्ञान की तो उसमें आप एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ सकते हैं, जो स्कूलों में जो किताबें होती हैं, क्योंकि वो मैं इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूँ क्योंकि उसमें जो चीजें होती हैं वो कठिन लैंग्वेज में नहीं होती, क्योंकि 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स आप लेंगे, चाहे एसएसटी की लें, एनीथिंग कोई भी लें, तो उसमें जो लैंग्वेज होगी बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा होगा, कोई हार्ड लैंग्वेज में नहीं लिखा होगा, तो वो भी मैं आपको प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो दोस्तों तैयारी के लिए आप पहले तो अपने लिए अंदर एक आत्मविश्वास लाइए, ये ना हो कि नर्वस कैसे निकलेगा क्यों निकलेगा, तो ये चीज है। बुक्स भी मैंने थोड़ी बता दी, मैंने कोई नाम नहीं लिया किसी का, आप जिस भी मर्जी बुक से करिए, बीएड की उठाइए चाहे एनीथिंग, आप कोई भी प्रोग्राम से लीजिए, साइकोलॉजी की कोई भी बुक लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस दोस्तों प्रिपरेशन का यही एक मैंने टिप आपको देना चाह रहा था, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं इसमें सीटेट की वीडियो लाते जा रहा हूँ, मैंने 3 क्लासेस अब तक डाल भी दी है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।